गाइस कुछ दिन पहले वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिसमें हमने मिंटोस को मुंह में रख के उसमें थम्सअप और स्प्राइट मुंह में डाला था। तो गाइस आज इसी तरीके से हमारे पास ये स्प्राइट और थम्सअप और ये कोलगेट और टाटा नमक है। तो गाइस आप सबको पता है कोलगेट में भी मिंट होता है और इससे इसको भी अगर स्प्राइट में डालने पे झाग निकलता है। तो गाइस इसी तरीके से आज हम पहले इस टाटा नमक को मुंह में रख के उसके बाद स्प्राइट और थम्सअप डालेंगे और फिर उसके बाद कोलगेट को मुंह में रखने के बाद स्प्राइट और थम्सअप डालेंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, आप रेडी हो जाइए भाई। तो गाइस ये देखिए आप लोगों ने देखा किस तरीके से ये झाग मुंह से बाहर निकल रहा था। तो गाइज अभी आप लोगों ने देखा हमने टाटा नमक को मुंह में डाल के उसमें स्प्राइट और थम्सअप को डाला। तो गाइज इसी तरीके से अब हम कोलगेट को मुंह में रखने के बाद उसमें थम्सअप और स्प्राइट डालने वाले हैं। तो गाइज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमको ये लग रहा है कि टाटा नमक से ज़्यादा इसमें बहुत फास्ट झाग और बुज्जा निकल रहा था, क्योंकि ये कोलगेट है और इसमें मिंट ज़्यादा होता है इसलिए इसमें ज़्यादा झाग निकल रहा था। तो गाइज आप लोगों ने देखा हमने टाटा नमक और कोलगेट को मुंह में रखने के बाद स्प्राइट और थम्सअप को मुंह में डाला, पूरा सर हमारा स्प्राइट और थम्सअप पे थम्सअप से भीग गया है। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।